हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे कि आखिरकार बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में क्या होगा कि सबसे पहले मान लीजिए आपका मार्केट कुछ इस तरीके से बाई साइड से आ रहा है। ठीक है, आपका मार्केट बाई साइड से आ रहा है। बाई साइड से आने के बाद क्या करता है, आपका मार्केट कुछ इस तरह अपसाइड जाने का ट्राई करता है। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पे सेल साइड में मार्केट आना स्टार्ट करता है। कहाँ से? हो सकता है कोई लास्ट पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अपने को अभी कुछ भी नहीं पता, अपने को सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट क्या करेगा, उस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगा। ठीक है, सबसे पहले हो सकता है कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ से बाई साइड में चल रहा हो। ठीक है, वो अपने को नहीं पता कि एक्चुअल में मार्केट का सिनेरियो क्या है एंड मार्केट किस तरीके से रन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट क्या करता है कि आपके एक जोन में टैप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने जस्ट डाउन दिया। डाउन देने के बाद मार्केट क्या करता है, करेक्शन करने के लिए हल्का सा ऊपर जाता है। अब हो सकता है कि आपके मार्केट ने यहाँ पर कुछ आईडीएम वगैरह ले लिया हो और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद मार्केट क्या करता है, डाउन आता है। ठीक है, डाउन आने के बाद मार्केट अगेन जाता है, यहाँ पे आईडीएम है, आईडीएम को मार्केट लेता है। ठीक है, आईडीएम को लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट लेके डाउन आता है। ठीक है, डाउन यहाँ से जब मार्केट आपका डाउन चलेगा तो डाउन आने के बाद क्या करेगा, सेम वही चीज, मार्केट हल्का सा करेक्शन करने के लिए ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया यहाँ पे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आईडीएम ले लिया मार्केट ने और ये ऑर्डर ब्लॉक ले लिया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद क्या होता है, मार्केट हल्का सा डाउन होता है। ठीक है, अब डाउन आने के बाद क्या होगा, ये जो वाला जोन है, इस जोन के अंदर मार्केट क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि आपको बाई में ले जा सके। ठीक है, बाई में ले जाएगा, तो बाई का तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करते हैं, ये सारे सिनेरियोज मैंने बता रखे हैं, ये कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, ये सारे जैसे आपको सेल बनेगा सेम वैसे उल्टा बाय बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब मान लो यहाँ पे आपका मार्केट आ गया, आने के बाद मार्केट ने क्या किया, रिसेंट वाला लो ब्रेक कर दिया, तो रिसेंट वाला लो ब्रेक करेगा तो ये आपका एज ए आईडीएम कहलाएगा। अब मान लो यहाँ बीच में आईडीएम है और यहाँ पे पहले लिक्विडिटी लेके गया है तो ये आपका क्लोज होगा फिर। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ मार्केट अगेन आईडीएम लेता है, आईडीएम लेने के बाद में ये आप डबल टॉप भी कह सकते हो इसको, यहाँ पे जो कहना चाहो, सॉरी, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अदरवाइज इसको यहाँ पे देखे तो ऑर्डर ब्लॉक को लेके मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक को लेके मार्केट नीचे आया, नीचे जाने के बाद मार्केट अब जाता है। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, अगेन हल्का सा डाउन आया, देन मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है वापिस। ठीक है, सेम चीज क्या करेगा, इस यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक आगा इस पॉइंट पे, उसको लेके मार्केट ऊपर जाएगा और ये अपना आईडीएम लेगा उससे पहले। ठीक है, आईडीएम लेने के जस्ट बाद ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा एंड डाउन गिरेगा। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आईडीएम होगा, आईडीएम के बाद यहाँ पे होगा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ, उसको मार्केट लेगा, देन लेने के बाद डाउन आएगा। ठीक है, वापस मार्केट अप जाएगा, ये आईडीएम होगा यहाँ पे और यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। ठीक है, उसको लेने के बाद मार्केट क्या करेगा, डाउन आएगा। तो इन सारी चीजों में जो काम करता है वो मेन यही है कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो क्या करेगा, उससे पहले ऑर्डर ब्लॉक में कोई भी चीज आने से पहले क्या करेगी, आईडीएम लेगी, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, देन एंट्री पॉइंट, है ना, प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। चार्ट पे देखते हैं इसको आप। ठीक है, चार्ट पे समझते हैं क्या हुआ, आपके मार्केट का यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, तो मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक ले लिया। ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहां से डाउन आना स्टार्ट किया।
लेकिन मार्केट वापस अप जाता है एंड देन मार्केट वापस यहाँ तक डाउन आता है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका एज ए आईडीएम वर्क करेगा, ठीक है। अब उससे पहले मार्केट ने कहाँ पे लिक्विडिटी ली, यानी कि लो लिया, ये वाला, तो ये जो पॉइंट है आपका एज ए चोच काम करेगा ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चोज हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक ये चोज, ठीक है। अब चोज लेने के बाद मार्केट क्या करता है आपको पता है, आईडीएम लेगा सबसे पहले। तो मार्केट ने कहाँ पे आईडीएम लिया, अभी तक नहीं लिया, ठीक है। मार्केट डाउन टू डाउन डाउन गया, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम ले लिया अपना, ठीक है। आईडीएम लेने के बाद क्या हुआ, ये जो वाला पॉइंट है ये आपका लो से लो कन्फर्म हो गया, यानी कि लोअर लो कन्फर्म हो गया। और मार्केट ने क्या किया, जब लास्ट टाइम आया था तो कुछ इस तरीके से विग मारी थी मार्केट ने, ये कुछ किया था यहाँ पे सर, ठीक है। ये कुछ मार्केट का सिनेरियो था। तो जब इस लो को ब्रेक किया एंड इस हाई को यहाँ पे इसने मार्केट ने ब्रेक करना चाहा, तो ये जो लो आपका काम करेगा, इस जगह क्या होगा कि इस पॉइंट पे आपको समझना होगा कि एक्चुअल में मार्केट का तरीका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट काम करेगा, ये काम करेगा एज अ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। चोज चोज होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट फिर से अगेन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मार्केट गिर गया, ठीक है। मार्केट गिरने के बाद क्या हुआ कि अपने को वही चीज देखनी थी, क्या हुआ, मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से सिनेरियो बना रहा है अपना। अब आप खुद समझ जाइए, अगर मार्केट ऐसे धीरे धीरे स्लोली चल रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट कुछ करने का प्लान कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे आपका आईडीएम दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपको चेंज ऑफ स्ट्रक्चर दिखा दिया इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये आपका चोज हो चुका है। चोज होने के बाद सेम चीज करना है, मार्केट अप गया, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एंट्री होगी उसको डिफाइन करेगा ये, कैसे। मार्केट क्या किया कि अभी तक डाउन है, इसने किसी भी हाई लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन एक पुल बैक है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो हो गया आइडिया, ठीक है। ये आईडीएम का काम करेगा, और ये जो वाला एंट्री पॉइंट है ये आपका काम करेगा चोच। अब मार्केट अगर चोच के ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है तो अपन क्या करेंगे, अपन बाई साइड में एंट्री प्लान करेंगे। नहीं करता तो अपने पास, ये मैं सबको मिला के लिख रहा हूं, ये एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पीओवाई, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई जोन में। इस जोन से मार्केट यहां से सेल जाने का ट्राई करेगा। दूसरी चीज, ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा कि इस टाइम से कनेक्ट करेगा, ये कुछ इस तरीके से आपको ट्रैप करेगा एंड कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रैप देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट का कुछ सिनेरियो होगा। तो ये सिनेरियो आपको मैंने बता दिया, सेल साइड का कैसे एंट्री लोगे, आपका मार्केट अगर इसको काम नहीं करता है तो ये आपका लास्ट बाइंग वाला एफपीजी पॉइंट बचा हुआ है, उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, देन उसके ऊपर पीओआई एंड लास्ट पॉइंट आपका बाई स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट का जो वीकली रहा था वो पूरा बाई में रहा था, तो मार्केट सेल साइड के पॉइंट को टैप करके अप जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इस पे कैसे एंट्री लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उससे पहले एक बार बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जाके देख लीजिए, उसमें एंट्री कैसे लेनी है और एंट्री लेने का क्या पैटर्न है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। थैंक यू।